देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी और जूसी। नमस्ते यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश नारियल के लड्डू, जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप चीनी, 1 चम्मच घी और 1 छोटी कटोरी भर के दूध, और उसमें मैंने 2 चम्मच मलाई ली है, और मैंने 1 पूरा नारियल लिया है। नारियल के यहाँ सबसे पहले हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और पीछे का जो ब्राउन वाला हिस्सा है हम उसे का पूरा निकाल देंगे। अगर आप यहाँ चाहें तो दूध और मलाई की जगह मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें पूरा नारियल साफ़ कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा नारियल साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें नारियल को बारीक बारीक काट कर ले लेंगे, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें दरदरा फाइन पेस्ट तैयार करना है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, डालकर गरम करेंगे, और हमने जो नारियल पीस कर तैयार किया था हम वो भी डाल देंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक के रोस्ट करेंगे। याद रखिएगा कि नारियल हमारा नीचे से लगे ना जले ना। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी यूज़ कर सकते हैं, या आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने दूध और मलाई मिक्स करके लिया था हम वो भी यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पे ये दूध और मलाई का मिक्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक जो 2 चम्मच छोटा मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मिक्स जो हमने नारियल का मिक्स तैयार किया है हमें उसे चलाते रहना है, हमें उसे बिल्कुल भी नीचे से जलने नहीं देना है। हमें इस तरह से एक नॉन स्टिकी डो बनाकर तैयार करना है। देखिए इस तरह से, जो कि बिल्कुल भी हमारे हाथ पे चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जा रहे हैं। अब हमने जो रेडी करा है मिक्स कोकोनट का, उसे हमने एक प्लेट में निकाला और लड्डू बनाना शुरू कर दिया। यहाँ हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें लड्डू बनाकर तैयार करना है। यहाँ पे मैंने सभी इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो जो नारियल का बूरा आता है, ताजे नारियल की जगह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम से इन्हें गार्निश कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए।